काकोरी बलिदान दिवस के अवसर पर 5 दिवसीय समारोह के समापन अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उप मुख्यमंत्री ने काकोरी ट्रेन एक्शन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन और सांस्कृतिक विभाग द्वारा माई गव के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन विषयक ऑनलाइन राष्ट्रीय क्विज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को भी सम्मानित किया। उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 9 अगस्त 1925 को हमारे शहीदों ने देश की आजादी के लिए प्राणों की चिंता ना करते हुए अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देते हुए इसी स्थान पर खजाने को अपने नेतृत्व में कब्जा करने का काम किया था। समारोह में सरकार की योजनाओं के स्टॉल, काकोरी शहीद स्मृति युवा मेला सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के विधायक आशुतोष टंडन, नीरज बोरा और अन्य भाजपा नेता भी उपस्थित रहे। दिसंबर 3 क्रांतिकारी जो शाहजहांपुर के थे, इस केस में उनको फांसी हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह, इन लोगों को अलग अलग जेलों में फांसी हुई थी। उन्हीं की याद में, काकोरी शहीदों की याद में, काकोरी के क्रांतिकारियों की याद में यहाँ पे एक कार्यक्रम होता है और यहाँ भव्य समारोह होता है जिसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं आते हैं। तो आज भी उसी श्रृंखला में ये 95वीं वर्षगांठ है उनके बलिदान की, उस अवसर पर यहाँ कार्यक्रम आयोजित हुआ।